हाय वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। महिंद्रा XUV 500 का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है महिंद्रा ने, और जो सबसे बड़ा चेंज महिंद्रा ने किया है वो किया है इसकी पावर परफॉर्मेंस के अंदर। यस, इट्स द सेम एमहॉक इंजन पर जो गाड़ी की पावर परफॉर्मेंस है, इट इज इंक्रीज फ्रॉम 140 टू 155 bhp और टॉर्क 330 Nm से 360 Nm हो गया है। ये आप देख सकते हैं XUV 500 के फेसलिफ्ट के फ्रंटल लुक्स। बेसिकली गाड़ी के अंदर डे टाइम रनिंग लाइट्स इंट्रोड्यूस हो गई है, और जो क्रोम की फ्रंट ग्रिल है, इट लुक्स वेरी माचो, वेरी अपीलिंग। गाड़ी की जो ओवरऑल स्टाइलिंग है, यस, इट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट कंपेयर्ड टू प्रीवियस महिंद्रा XUV 500। आप ये देख रहे हैं वीडियो में मॉडल, दिस इज अ टॉप एंड W11 ऑप्शन मॉडल जो महिंद्रा XUV 500 का है, और इसके अंदर आपको मिलते हैं 18 इंची के ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स। बहुत ही बढ़िया महिंद्रा ने काम किया है। हालांकि जो साइड प्रोफाइल है उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है, एक्सेप्ट डेट रूफ रेल्स जो आप देख रहे हैं सिल्वर कलर के हैं, और सिल्वर कलर की आपको बॉडी क्लैडिंग मिलेगी। तो महिंद्रा XUV 500 का चीता कैरेक्टर महिंद्रा ने रिटेन करा है। आप ये देख सकते हैं डी पिलर के अंदर भी कुछ चेंजेस करे हैं। 18 इंची के अलॉय व्हील्स के साथ गाड़ी की जो प्रेजेंस है वो और बोल्ड और अपीलिंग हो जाती है। तो बेसिकली गाड़ी के जो एक्सटीरियर्स में चेंजेस हैं वो फ्रंट ग्रिल में चेंजेस हैं, डे टाइम रनिंग लाइट्स में चेंजेस हैं, थोड़ा सा टेल लाइट के डिजाइन में चेंज किया है, और रियर का डिजाइन चेंज कर दिया है। नॉमन क्लेचर हो गया है W5, W7, W9, W11, W11 इज अ टॉप एंड मॉडल और W11 ऑप्शन आता है। आप ये XUV 500 फेसलिफ्ट वर्जन देख रहे हैं। अगर मैं आपको इसकी बूट स्पेस दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं गाड़ी की बूट स्पेस में हालांकि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, इट इज़ द सेम बूट स्पेस विच यू वर गेटिंग अर्लियर। और अगर थर्ड रो फ्लिप डाउन कर देंगे तो उस केस में तकरीबन 700 लीटर की बूट स्पेस हो जाती है। सो बेसिकली थर्ड रो अप करने के बाद गाड़ी के अंदर बहुत ही कम बूट स्पेस आपको मिलेगी। और ये आप देख रहे हैं महिंद्रा XUV 500 के इंटीरियर्स, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको बेसिकली प्रीमियम लेदर की फिनिश मिलेगी डैशबोर्ड के लेआउट में, पियानो फिनिश मिलेगी सेंटर कंसोल में, बड़ा बढ़िया प्रीमियम इंटीरियर्स लग रहे हैं। आप महिंद्रा XUV 500 फेसलिफ्ट वर्जन के इंटीरियर्स देख रहे हैं, और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें महिंद्रा ने ये अपग्रेड किया कि आरकेएमएस की सराउंड का साउंड सिस्टम दे दिया है। हालांकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एग्जैक्टली सेम है, स्टीयरिंग व्हील एग्जैक्टली सेम है जो आपको प्री फेसलिफ्ट वर्जन में मिलता है। तो इंटीरियर्स में अभी मैं आपको ब्रीफ बात करूँ तो प्रीमियम लेदर की फिनिश आपको डैशबोर्ड के अंदर मिलेगी, आरकेएमएस का सराउंड सिस्टम मिलेगा, इसी डैशबोर्ड की जो फिनिश है वो आपको डोर ट्रिम से मिलेगी। तो बेसिकली पियानो ब्लैक फिनिश के साथ द इंटीरियर एस्थेटिक्स लुक सर्टेनली प्रीमियम। और जो गाड़ी के सीट कवर्स हैं, बेसिकली जो टॉप एंड मॉडल W11 है उसमें आपको टैन कलर के लेदर सीट कवर्स मिलेंगे, और उसके नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको फैब्रिक के सीट कवर्स मिलेंगे, बट दैट वुड आल्सो बी इन टैन ऑरेंज। ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सनरूफ, दिस वुड बी पार्ट ऑफ W9 एंड W11 मॉडल जो इनके टॉप एंड वेरिएंट्स रहेंगे। साउंड सिस्टम सुनिए कितना बेहतरीन है। चलते हैं अब हम सीट की तरफ देखते हैं। ये आप देख सकते हैं सेकंड रो की जो सीट्स हैं महिंद्रा XUV 500 की, बढ़िया स्पेस है, वेरी कंफर्टेबल द सेकंड रो स्पेस फॉर 3 adults। लेकिन हालांकि इसमें कमी है, ये सीट्स स्लाइड नहीं हो सकती हैं सेकंड रो की, वो पता नहीं महिंद्रा ने क्यों इंट्रोड्यूस नहीं किया, इट वॉज मच रिक्वायर्ड फॉर। हालांकि सीट्स रिक्लाइन हो सकती हैं, पर सेकंड रो की सीट स्लाइड नहीं हो सकती। और ये आप देख सकते हैं फ्रंट ड्राइवर और को पैसेंजर की सीट्स, और इलेक्ट्रिक जो ड्राइवर साइड सीट है वो आपको W11 के अंदर ऑप्शन मिलेगा, और इसी का प्रीमियम आपको फिनिश लेदर की डैशबोर्ड के डोर ट्रिम्स के अंदर भी मिलेगी। आप देख सकते हैं डोर ट्रिम्स के अंदर ये लेदर की फिनिश है, और बॉटल होल्डर की स्पेस कम है। ये महिंद्रा XUV 500 की चाबी है आपके सामने, अगर आपको पसंद आता है। प्राइसिंग क्या है आप ये देख सकते हैं, हालांकि ये प्राइसिंग मुंबई की है और बड़ी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग महिंद्रा ने कर दी है। W5 स्टार्ट्स फ्रॉम 12.32 लाख, और जो इसका टॉप एंड W11 है वो 16.43 लाख का है मैनुअल में, 17.63 लाख है ऑटोमेटिक के अंदर। और अगर मैं आपको इसके ऑप्शन मॉडल की बात करूं जिसके अंदर 18 इंची के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, उसकी कॉस्टिंग है 16.68 लाख रुपीज़ फॉर मैनुअल और 17.88 लाख रुपीज़ फॉर ऑटोमेटिक।